अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरी डॉर्मेटरी के हवाले से और मेरा हॉस्टल कैसा है, मेरा रूम कैसा है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं, कौन कौन सी नहीं है। इंशाल्लाह ये वीडियो भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। अगर आप चाइना में स्टडी करना चाहते हैं और आप शौक रखते हैं कि आप चाइना में आएँ और स्टडी करें, तो इंशाल्लाह ये वीडियो भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलें शुरू करते हैं हम अपना अपनी नई वीडियो। जी जनाब, तो हम पहुंच चुके हैं अपनी डॉर्मेटरी में, हॉस्टल में। तो ये जो आप मेरे पीछे ऑफिस देख रहे हैं, इस ऑफिस में लाइक यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होते हैं हर डॉर्मेटरी के बाहर, जो कि आपको आपके कमरा नंबर अलाट करते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे कमरा नंबर मुझे अलाट हो चुका है, मेरा कमरा नंबर है 310। तो अभी मुझे जाना है अपनी डॉर्मेटरी। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है हमारी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो डॉर्मेटरी होती है ना, वो डिफरेंट होती है दूसरों से, दूसरे चाइनीज़ जो होते हैं ना स्टूडेंट उनसे। तो जैसा कि आप मेरे पीछे, आपको पता देख के पता चल जाएगा कि ये इंटरनेशनल, ये आप सारे फ्लैग्स देख रहे हैं बहुत सी कंट्रीज़ के हैं, तो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये आपकी डॉर्मेटरी है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो डॉर्मेटरी होती है वो कुछ इस तरह की होती है, और जो हमारे जो चाइनीज़ दोस्त होते हैं, जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी डॉर्मेटरी कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। तो ये अभी हमारी डॉर्मेटरी के अंदर, वैसे भी आपको जो एक डिफरेंस होता है कि हमारी डॉर्मेटरी में एक रूम में चार बंदे रहते हैं, और जो चाइनीज़ होते हैं वो एक रूम में छः बंदे रहते हैं, तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। और ये हमारी डॉर्मेटरी है, ठीक है। अभी मुझे आना है ऊपर, अपना कमरा ढूंढना है, और मुझे मतलब यकीन है कि मेरा कमरा बहुत ही गंदा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी देर से कोई लोग नहीं रह रहे, जो चले जाते हैं फिर वो ग्रेजुएशन होने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद तो कमरे खाली होते हैं, ठीक है। कमरे खाली होने की वजह से ये पर कोई बंदा रहता नहीं है, तो फिर साफ कौन करेगा। तो ये अब हमारी जो चाइनीज़ के दोस्तों की ये डॉर्मेटरी, और ये हमारी है, तो चलते हैं ऊपर देखते हैं क्या होता है। जी जनाब, तो अभी जाना है जी, मुझे मेरा कमरा ढूंढना है, कमरे का नंबर है 310। तो अभी मुझे उन्होंने कहा है कि जी कमरा पहले ही आप उसका खोला हुआ, क्योंकि टीचर्स को इन्फॉर्म किया होता है। तो ये 314 है, ये मेरी डॉर्मेटरी है, मतलब मेरा फ्लोर है, और इसमें मुझे मेरा कमरा नंबर है 310 में जी जनाब हम रहेंगे इंशाल्लाह। और जी 310 कमरा नंबर हमारा आ गया, 310 कमरा नंबर 310। ओके, एंड चले अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। मुझे लाइट्स, ओह माय गॉड जी। तो इधर कमरे में मेरे है जनाब ये 6 बेड, यहाँ पर लेकिन बंदे 4 रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 6 बेड होते हैं, लेकिन जो चाइनीज स्टूडेंट होते हैं वो 6 ही रहते हैं, लेकिन हमारे लिए ये होता है कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये रिस्पेक्ट देते हैं, काइंड ऑफ रिस्पेक्ट के हम यहाँ पर कमरा, ये बहुत छोटा है ये भी, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा, बाकी और यूनिवर्सिटी में ऐसे नहीं होते, इससे अच्छे होते हैं और इससे भी बुरे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि आपकी यूनिवर्सिटी कैसी है। तो यहाँ पर अभी हम 4 बंदे रहेंगे, एक रूम में 4 बंदे। और उसके बाद जनाब हम बात करें तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ की, तो यहाँ पर हमें गीज़र मिलता है, ठीक है, वॉशिंग मशीन मिलती है, यानी कि दो दो हमें मिलते हैं, वॉशरूम मिलते हैं,
नहाने के लिए होता है और दूसरा दूसरा भी नहाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सर्दियों में मेरा ख्याल में ये यूज़ करते हैं ना ज़्यादातर जो गीज़र लगा होता है, और गर्मियों में फिर ये यूज़ करता है ज़्यादातर। तो और इसके अलावा हमें मिलती है जनाब ये एक टेबल, टेबल है यहाँ पर, पहले कुछ स्टूडेंट रहते रहे हैं तो ये एक टेबल है, और इसमें जैसे एक कपड़े की अलमारी, कपड़े रखने के लिए ये अलमारी होती है कपड़े रखने के लिए। ये ऊपर हमारा बेड होता है, ठीक है, और बेड के साथ ये हमारे साथ जो होती है हमारी बुक्स वगैरह रखने के लिए ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एसी भी है, एसी की फैसिलिटीज़ भी होती है, हर हर एक डॉर्मेटरी में होती है तकरीबन। और जनाब यहाँ पर अभी ये कमरा नहायत ही गंदा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोग पहले जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हो चुके हैं वो यहाँ पर रह चुके हैं, तो ये मेरा ख्याल अभी साफ़ करना होगा, और साफ़ करने के बाद मुझे अभी और इसके अलावा जाना पड़ेगा, जो मुझे लेनी है रज़ाई लेनी है, ठीक है, और जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना बेडिंग लेनी है अपनी सारी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिखाएंगे भी कि यहाँ पर चाइना में बेडिंग कितनी एक्सपेंसिव है या नहीं, और क्या मतलब क्या सीन है, ठीक है। हम इकट्ठे चलेंगे और देखते हैं, अगली वीडियो शूट करते हैं इसी मौजू पे कि चाइना में बेडिंग कैसे ख़रीदते हैं, ठीक है, और कैसे ख़रीदनी चाहिए और कैसे नहीं ख़रीदनी चाहिए, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ, इंशाल्लाह सी यू सून, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।